बेटियों को पिता के ज्यादा करीब माना गया है, लेकिन वही पिता अपनी बेटी के साथ गलत करे, उस बेटी के साथ इतना गलत करे कि आप सोच भी नहीं सकते, तो कैसे एक पिता बेटी के करीब हो सकता है। यहाँ पर तो वही बात फिर घूम फिर कर आ जाती है कि हमारे बड़े बूढ़े पहले कहा करते थे कि एक बेटी के लिए माँ होना बहुत जरूरी है, तो एक परिवार के लिए गृहिणी होना वाकई में बहुत जरूरी है, क्योंकि पिता वो देखभाल या वो नहीं कर सकता जो एक माँ कर सकती है। आज की घटना में एक पिता ने अपनी 9 साल की बच्ची के साथ पहले खुद ने गलत किया, फिर उस बेटी को अपने दोस्तों को परोस देता है। घूम फिर कर वही बात होती है, नशे की हालत में ये पिता सब कुछ करता है, लेकिन जब नशा उतर जाता है तो वह अपनी 9 साल की बच्ची को समझाने की कोशिश करता है कि तू ये बात किसी को नहीं बताना, लेकिन उस पिता की ये सच्चाई ज्यादा दिन तक छुपती नहीं है, सबके सामने आती है। और उस पिता की, उस लड़की की जो माँ दादी है वही सबके सामने सच्चाई लाती है, और वो दादी अपनी बेटा का मुंह छोड़ते हुए अपनी पोती की रक्षा करती है, और उस दरिंदे पिता को, उस अपने बेटे को जिसने एक गलत रूप अपनाया था, गलत रूप रख लिया था, उसे सलाखों के पीछे पहुंचाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का तिरछी बात में। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इस घटना में कई बातें ऐसी हुई हैं जो शायद आज आपने, आज से पहले ये बातें नहीं सुनी होंगी। आज की घटना छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के नारायणपुर थाने में पड़ती है, जहां पर एक परिवार होता है। परिवार एक व्यक्ति होता है, इस व्यक्ति की पत्नी 2019 में इस व्यक्ति की पत्नी मर जाती है, तो इसके 3 बच्चे और ये व्यक्ति होता है। इसकी माँ जो पास ही में दूसरे घर में रहती है, लेकिन ये अपने बेटे के पास नहीं रहती है, और इसके 3 बच्चे जिसमें से 2 लड़के तो इस व्यक्ति के पास रहते हैं, लेकिन इसकी एक 9 साल की बेटी है वो दादी के पास रहती है, क्योंकि दादी उसकी देखरेख करती है। यहाँ पर भी वही बात आ गई, एक एक महिला घर के लिए बहुत जरूरी होती है, इसी वजह से वो जो 9 साल की बेटी है वो अपनी दादी के पास रहती है, और वो दादी से ज्यादा क्लोज है, फ्रेंडली है, वो अपनी हर बात अपनी दादी से शेयर करती है। वो अपनी दादी के पास रहती है, लेकिन दादी शनिचर और एतवार उस अपनी पोती को अपने बेटे के पास भेजती है, क्योंकि वो भी चाहती है कि इसे मेरा भी प्यार मिले और इसके पिता का भी प्यार मिले, ये अपने पिता के प्यार से वंचित ना रह जाए। अब दादी अपनी पोती को, जो 9 साल की बेटी है, 28 अप्रैल 2021 को अपने बेटे के घर भेजती है, जैसे कि वो 2019 से 2021 तक करती आ रही है, उसी हिसाब से पोती उसकी अपने पिता के घर पहुंच जाती है, 9 साल की बेटी। लेकिन वो पिता शराब का सेवन करता है, उस दिन वो अपने भाइयों के साथ कमरे में लेटी हुई होती है, और उधर उसका पिता अपने दोस्तों के साथ दूसरे कमरे में शराब का सेवन करता रहता है। बच्चों को कोई लेना देना नहीं है, बच्चे सोते रहते हैं, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन पिता अब कुछ देर बाद उस बेटी के कमरे में आता है, उसके भाइयों के बीच से उस 9 साल की बेटी को उठाकर दूसरे कमरे में ले जाकर पटक देता है। जब वो ये सब कुछ कर रहा होता है, तो एक बेटी अपने पिता की आंखों में वो सब कुछ देख रही थी शायद, जिसे की उसे उम्मीद नहीं थी। उस 9 साल की बच्ची को घेर दिया जाता है, जो पिता के 2 दोस्त से वो लड़की के हाथ और पैर पकड़ते हैं, और पिता उस लड़की के साथ गलत करता है, गलत करता है। बेटी चीख नहीं सकती, चिल्ला नहीं सकती, उसका मुंह पकड़ लिया जाता है, फिर दोनों दोस्त बारी बारी से उस 9 साल की बच्ची के साथ करते हैं। ये बेटी के साथ जो कुछ होता है, दोस्त वहां से चले जाते हैं। सुबह का टाइम हो जाता है, बेटी जिससे अब चला भी नहीं जा रहा है, तो पिता देखता है, तो एक दिन और उस बेटी को अपने घर पर रखने की इच्छा अपनी माँ से कहता है कि माँ, कल आएगी अपनी जो 9 साल की बेटी है, उसे मैं कल भेजूंगा, आज नहीं भेज रहा हूं, क्योंकि उसे पता था कि लड़की की हालत खराब हो चुकी है। लेकिन 2 दिन बाद भी क्या संभलने वाला था, 2 दिन बाद वो उस लड़की को अपनी माँ के घर छोड़कर आता है, अपनी 9 साल की बेटी को। माँ देखते ही समझ जाती है कि लड़की को कुछ ना कुछ हुआ है, क्योंकि वो बिल्कुल चुप थी और उसकी हालत खराब थी, उसे बुखार था, तबीयत बहुत बिगड़ी हुई थी। जब दादी अपनी पोती को गले से लगाती है, तो महसूस करती है कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कुछ ना कुछ, तो वह अपनी 9 साल की पोती से पूछती है कि बेटा क्या हुआ है, 1-2 बार में, क्योंकि पिता ने वार्न करके घर से भेजा था, छोड़कर आया था कि तू ये बात किसी को भी मत बताना, बेटी मुझसे नशे में, कभी तो इमोशनल होकर अपनी बेटी से कहता है, कभी गुस्से में कहता है,
उसको ऐसे वो पागल बना रहा था, तो वो लड़की रोने लगती है और अपनी दादी को सारी बातें बताती है। दादी एक क्षण भर का समय नहीं लगाती है, सुनते ही अपनी पोती की बातें, और दादी पुलिस स्टेशन जो नारायणपुर थाना होता है उसमें हाजिर हो जाती है, अपने ही बेटे के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराती है, जो जो उसकी पोती के साथ हुआ होता है सभी पुलिस वालों को बताती है, क्योंकि उस दादी को आज अपना बेटा नहीं अपनी पोती दिख रही थी, क्योंकि उसके बेटे ने किया इतना गलत था। अपने बेटे के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराती है, पुलिस एक्शन लेती है, तीनों ही मुजरिम को पकड़ लिया जाता है, सलाखों के पीछे पहुंचाया जाता है। वो दादी आज उस पोती को अच्छे से उसका ट्रीटमेंट कराकर अच्छे से उसका ख्याल रख रही है, और उस महिला ने साबित कर दिया, उस बुजुर्ग महिला ने साबित कर दिया कि रिश्ते किसी के साथ गलत होने को ज्यादा मायने, रिश्ते ज्यादा मायने नहीं रखते किसी के साथ गलत होने के बराबर। कहने का मतलब है कि अगर किसी के साथ गलत हो जाएगा और उसमें अगर कोई रिश्ता आड़े आ रहा है तो वो बिल्कुल भी मायने नहीं रखा जाएगा, उसको सजा दिलाई जाएगी, और ऐसा ही हर किसी को बनना चाहिए। हालांकि ऐसा पिता ही नहीं होना चाहिए जो अपनी बेटी के साथ ऐसा करे। क्या कहोगे उस पिता के बारे में, हैबान दरिंदा उसको आज हम एक नाम दे सकते हैं। कैसे कोई अपनी 9 साल की बच्ची के साथ ऐसा कर सकता है, खुद तो खुद दोस्तों को भी, क्योंकि कभी कभी हमारी संगत ऐसी हो जाती है कि कुछ गलत लोगों का साथ हमें गलत बना देता है। आप एक बात सुनिए कि अगर आप एक धुन को रोज सुनोगे तो वो आपके कानों में पड़ेगा, आपको याद होगा। उसी तरह अगर आप किसी गलत व्यक्ति के साथ रहोगे तो उसकी जो गलत बातें आपके कानों में पड़ेंगी तो कभी ना कभी उन बातों पर आप अमल करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि आप गलत लोगों के साथ नहीं रहें और उन गलत लोगों की बातों पर अमल मत कीजिए, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई कैसा क्यों कर सकता है ऐसा, मतलब समझ में नहीं आ रहा। लेकिन क्या कहें, ऐसे पिता के बारे में 2 शब्द बोलने का आपका फर्ज बनता है। हालांकि हमारा कानून है, उसे सजा मिल चुकी है, लेकिन उस बेटी का क्या, वो 9 साल की बच्ची क्या इस सब को भूल सकती है, क्या भूल सकती है उसका जो पिता, जिसे वो शायद बहुत प्यार करती थी क्योंकि मां नहीं थी, पिता को बहुत प्यार करती थी, क्या वो भूल सकती है कि मेरे पिता मेरे साथ ऐसा किया है, तो वो क्या मर्द जात पर भरोसा रख सकती है। बहुत वक्त लगेगा उसके इस घाव को भरने में, और शायद मरते दम तक ये घाव उसकी अंतरात्मा कभी भी स्वीकार नहीं कर पाएगी कि इंसान सही होते हैं। कुछ लोग एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, तो कुछ लोग कभी कभी रिश्तों पर और कई ऐसे रिश्तों पर सवाल खड़े कर देते हैं जिन्हें सुलझाना मुश्किल हो जाता है। ऐसा पिता उसे तो ऐसे पिता के बारे में आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। कल फिर हाजिर होंगे एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।